राहुल सर वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसका अपमान हुआ उसके लिए अपमान हुआ है। अपमान अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपी बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी ले आए सर, किसी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान किया। नहीं नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपी को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमारे एमपी वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो? मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? Nearly 130 members of parliament have been suspended. And this is a mockery of the democracy. Protest was going on. It is a part of the protest. Mimicry is not unknown to anywhere. But I didn't have any intention at all to hurt or disrespect any person, including the Honorable Vice President. He also belongs to my profession. He is senior to me, as senior advocate also. He was our ex-governor also. There are on some issues, some difference of opinions were there. That's a different thing. But it was no intention at all to disrespect any person, any post. I never watched the Rajya Sabha proceeding, Rajya Sabha TV also. If it has been taken, the Honorable Vice President has taken on his shoulder. I didn't have any intention to hurt him at all. I have great respect to all constitutional posts. Mimicry is not a new thing. You have seen also earlier, our Honorable Prime Minister also done same thing in the House itself during the 2014 to 2019. So it's not an offense. It is not. Now they are trying to change the issue itself. Today's issue is. Whether these 133% member of parliament have been suspended correctly or not, issue is it not a mockery of democracy? Issue is this. Did you apologize to BP, sir? Whatever I have said already, I did not want to hurt anyone's mind. I have great respect to everyone. I am having a respect also to the Honorable Vice President, Honorable President, each and every one, all the who are holding the constitutional post. There are some protests of the opposition would be there. Mimicry is not an offense at all. Mimicry is done. It is not an offense at all. If anyone is hurt, I did not have any intention to hurt anyone. Nothing will go on record, Digvijay Singh ji. Aap anubhavi neta hain. Aapne lambe... Meri baat to sunle... आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं सर, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है, आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं,
सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? मैं ये है, दिग्विजय सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए, जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की, मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। आज राज्यसभा के हाउस के अंदर ये बात उपराष्ट्रपति साहब जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि मेरी बेइज्जती हुई, ये चेयर का अपमान है, साथ ही साथ मेरे समाज का अपमान है। अंदर रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें सारे लोग उठ के खड़े हुए, जो जो ट्रेजरी बेंच है, और बाहर खड़गे साहब ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया और रिप्लाई, क्योंकि मिनिस्टर अगर कोई बात बोलते हैं तो मुझे रिप्लाई का मौका मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला है। किस तरीके से देखिए इस तरीके की, मतलब जिनको हम कहते हैं पैरोकियल एटीट्यूड, ये अगर इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से आते हैं तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात होते हैं। हमारे देश की महामहिम होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, सदन में जब आते हैं तो चेयरमैन बनते हैं। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने यह नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं, उनको क्यों खुद अपने अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या? हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई जात के नहीं, राष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं। कल से हमें तो ये सीने पे ये लगा के घूमना पड़ेगा पोस्टर लगा कि मैं दलित हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, चलेगा ये देश? कहा कभी ये कि मैं एक जाट के खिलाफ बोल रहे हैं? मिमिक होता है, जिसको जो समझना समझ लेते हैं, मिमिक तो मिमिक होता है। किसी को नाम पे तो नहीं कहा गया कि वहाँ किसी भाषण से तो नहीं किया गया कि मैं मिमिक कर रहे हैं। क्यों बात बनाना चाहते हैं ये लोग? ये सेब अपने जवाब से बचने के लिए, जब सरकार के ऊपर चारों तरफ से आप जवाब मांग रहे हैं, सदन की सुरक्षा से कि क्यों इतने बार छेड़छाड़ हुई है, तो वो जवाब देने से बचने के लिए इस तरीके के हवाला, इस तरीके की बहाना बनाते जा रहे हैं। कोई इसका संबंध नहीं, कोई सरोकार नहीं है सदन के अंदर की सुरक्षा के साथ। ये कल कोई मिमिक, कोई सरोकार नहीं है, असली बात से छुपाना चाहते हैं, असली बात से बचना चाहते हैं। कल्याण बनर्जी ने भी कहा मेरा कोई मोटिव नहीं था, नहीं क्यों मोटिव रहेगा? दे मिमिक इज एन आर्ट ऑल्सो।